वीवीएम प्रोग्रामिंग में हम अगला चैप्टर करते हैं। कल हमारी इंट्रोडक्शन थी और आर्किटेक्चर वगैरह बताया था, आज हम बात करते हैं उससे आगे की चीजों पे। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं, जैसे हमने आपको कल क्लियर कर दिया था कि रिकॉर्डिंग मैक्रो का क्या यूज और क्या बेनिफिट है। तो और आपको हमने बोला भी था कि आप होम मेनू बार बाकी चीजों पर रिकॉर्ड करके उसकी कोड को समझने की कोशिश करो। आई होप आपने समझा होगा। अब बात करते हैं डिक्लेरेशन ऑफ द मैक्रो के, मैक्रो कैसे डिक्लेयर करेंगे और कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ डेवलपर टैब के अंदर आपके पास विजुअल बेसिक दिखता है जिसका शॉर्टकट है Alt+F11। तो Alt+F11 की मदद से आप इसको खोल सकते हैं या फिर इस पर क्लिक करके खोल सकते हैं। तो सामने विंडो दिखता है, इसको बोलते हैं VBE, विजुअल बेसिक फॉर एडिटर। विजुअल बेसिक फॉर एडिटर मतलब कि जो विजुअल इसमें इसका यूज जो होता है कि आप इंटरफेस के लिए होता है। ये विजुअल VBA कोडिंग हम करेंगे कहां पे, तो हम इसी पे कोडिंग करते हैं। तो इसके बारे में समझिए, ये आपके पास प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी एंड विंडो सॉरी प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर एंड प्रॉपर्टी दो बार आपके पास होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप जो है यहाँ इस पे क्लिक करके ला सकते हैं इन दोनों पे, या फिर इंसर्ट के सॉरी व्यू के अंदर भी आप प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी इसका शॉर्टकट आपको दिख रहा है Ctrl+R इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, आप कोडिंग करेंगे कहाँ? तो देखिए अभी सबसे पहले इस चीज को समझिए कि मैंने एक बुक वन का फाइल खोला हुआ है जिसमें 3 zips है। तो आप में देखिए यहाँ भी आपको प्रोजेक्ट प्रॉपर्टी एंड बुक वन मतलब कि जितने फाइल आपके पास खुले रहेंगे सारे फाइलों का लिस्ट इस तरह से बना रहेगा। आपको देख रहा है आपका एक्टिव फाइल, उसके अंदर जितने सीट्स होंगे उन सीट्स का नाम और दिस वर्कबुक रहेगा। अगर सीट पे डबल क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक व्हाइट कलर का एरिया निकलेगा, इसको बोलते हैं कोड एरिया। इसके अंदर हम कोडिंग करते हैं, तो कोडिंग करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है सर, अब कोडिंग हम इस पे डबल क्लिक कोडिंग नहीं करेंगे, हम कोडिंग करने के लिए ऊपर इंसर्ट में मॉड्यूल को इंसर्ट और इसके अंदर कोडिंग। तो सबसे क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता है कि तो ठीक हमने मॉड्यूल्स में कोडिंग क्यों किया, मॉड्यूल्स में ही कोडिंग क्यों किया, और दूसरा हम इनपे कोडिंग क्यों नहीं किए। देखिए अगर इस सीट वन पे डबल क्लिक करके आप कोडिंग करते हैं तो आपकी कोड देखिए कुछ भी करेंगे तो कहने हैं कोड तो सेव होगा ना, तो आपका कोड जो सेव हो रहा है कोड सेव हो रहा है कहां पे, कोड सेव हो रहा है आपका सीट वन की प्रॉपर्टी में। अब सीट वन की प्रॉपर्टी में हमारा कोड सेव हो रहा है, अगर कल के डेट में हमने सीट वन को डिलीट किया तो हमारा कोड भी डिलीट हो जाएगा। राइट सर, तो जो हमारा कोड डिलीट हो जाएगा तो दिक्कत है। तो एक तो प्रॉब्लम होगी कि आपका कोड डिलीट हो जाएगा, दूसरा कि अगर सीट वन में कोडिंग करते हैं तो आप बाकी सीट या बाकी फाइलों से जो रिफरेंस है वो थोड़ी सी रिफरेंस लेने में दिक्कत होगा, इसलिए हम नहीं करते। मॉड्यूल वन में कोड करने से क्या होता है कि इसके फाइल के अंदर आपके जो फाइल है उस
फाइल के अंदर में आपका सारा कोड सेव हो जाता है। तो जब फाइल के अंदर आपका कोड सेव होता है तो उसका इस्तेमाल आप कहीं भी कर सकते हैं, कहीं भी इसको आप जो है कॉल कर सकते हैं और कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। इसलिए हम कोडिंग मॉड्यूल में करते हैं। तो मॉड्यूल में कोडिंग क्यों करते हैं, समझ में आ गया? सर एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में भी इसको कॉल करा सकते हैं। हाँ, तो इसलिए दूसरे मॉड्यूल को इंसर्ट करना थोड़ा सा आसान है, बाकी को इंसर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब कि उसको एक्सट्रैक्ट करना। जैसे आपको मान लो किसी को आपने कुछ बनाया, कोई आपको उसका कोड मांग रहा है, ठीक है? तो मॉड्यूल को फाइल भेजना नहीं चाहते हैं तो मॉड्यूल को डायरेक्ट भेज सकते हैं। तो सर बगैर फाइल के मॉड्यूल कैसे चलेगा, वो कहीं ना कहीं तो फाइल के साथ अटैच करना ही पड़ेगा। फाइल में इंसर्ट कर लेंगे हम, यहाँ पे एक ये कर सकते हैं ना, यहाँ पे जैसे कि यहाँ से, ठीक है ना, या से हम फाइल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम इम्पोर्ट भी कर सकते हैं ना। अच्छा, ठीक है, तो इम्पोर्ट कर लेंगे। अब बात करते हैं कि अब कैसे कोडिंग करें। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखें कि आपको कोडिंग करने से पहले मैक्रो का नेम डिफाइन करना। तो मैक्रो का नेम यहां पे कैसे डिफाइन करेंगे, यहां पे हम देते हैं सब्जेक्ट, तो यहां कोई मैक्रो का नाम देते हैं, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करें और एंटर मार। अब देखेंगे आप अपने फाइल के मैक्रो लिस्ट में, तो वहां पे आपके पास मैक्रो का आ जाता है। कौन सेट कर रहा है, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए, मैंने भेज दिया है सर। तो यहां मैक्रो लिस्ट में देखेंगे आपके पास मैक्रो का लिस्ट आ, तो मैक्रो नेम, अब यहां पे मैक्रो नेम देने के लिए आपको सब या पब्लिक सब लिखना पड़ेगा। पब्लिक सब भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हैं, दोनों आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर? अब क्वेश्चन यह आता है कि मैक्रो नेम लिखते समय कुछ ध्यान रखिए। जैसे आपने लिख दिया टेस्ट, आपने लिखा यहां पे टेस्ट, और मान लीजिए कि मुझे टुडे लिखना है, टेस्ट टुडे, तो अब यहां पे हमने जो स्पेस दिया ये एक्सेप्टेबल नहीं है, डॉट नहीं है, डैश नहीं है, तो किसी भी तरह का स्पेशल करेक्टर आप इसमें नहीं डाल सकते, ठीक है? हाँ, अंडरस्कोर आप डाल सकते हैं। तो पहला आप देख लीजिए कि आप अपने नेम के अंदर में किसी भी तरह का कोई क्या बोलते हैं उसको, ऑटोमेशन, किसी भी तरह का आप स्पेशल करेक्टर नहीं डाल सकते किसी भी तरह। और दूसरी चीज, इसमें आप थ्री डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नहीं डाल सकते, जैसे कि मान लीजिए मैंने लिखा राज 1। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है,
तो इस नाम का आपके सीट में रेफरेंस है, यहाँ पे देखिए राज वन करके एंटर करेंगे तो वहां देखिए राज वन पे चले जाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम होगा कि जब माइक्रो स्टार्ट करेंगे तो देखिए रन ही नहीं कर पाएंगे और सीधे वो समझेगा कि राज वन रेफरेंस है और आपके रेफरेंस पे चला जाएगा। ठीक है सर, यस सर, इसलिए हम बोल रहे हैं। हाँ, अंडरस्कोर दे सकते हैं और नेम ए फंक्शन के लिए भी सेम अप्लीकेबल होता है। आगे सके जो आप फंक्शन सीखेंगे तो वहां भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते। समझ गया सर? डाउट सर? नहीं होनी चाहिए। चलिए, अब क्वेश्चन आता है कि हम प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे। तो पहले आप समझिए प्रोग्रामिंग के स्टेप, कोई प्रोग्राम बनाने का क्या स्टेप है उसको समझिए। तो सबसे पहले हम प्रोग्राम को एनालाइज करते हैं, ठीक है, और उसका सबसे छोटा तरीका और उसको अच्छे तरीके से एनालाइज करके देखते हैं क्या है। फिर हम उसके बता उसके करते हैं एल्गोरिदम। एल्गोरिदम मतलब कि उसका स्टेप क्या, फिर इसको हम कोड करते हैं और फिर इसको हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट में अगर एरर आया तो अगेन रीटेस्ट करते हैं, रिकोड करते हैं, सॉरी रिकोड, और टेस्ट ए रिकोड टेस्ट ए लूप में चलता रहता है। कब तक? जब तक कि टेस्ट सक्सेसफुली ना हो, देन अप्लाई करते हैं, राइट। तो एनालिसिस जो है ये तो अपना पार्ट है, अपने हिसाब से सोचो समझो, ये तो आपके ऊपर है। एल्गोरिदम ये जरूरी है। अब जैसे कि एग्जांपल, मुझे यहाँ पे नेम लिखना है, यहाँ पे मुझे रोल लिखना है, यहाँ पे मार्क्स लिखना है, तो इसका एल्गोरिदम क्या बनेगा? तो स्टार्ट याद होगा ना, स्टेप्स फ्लो चार्ट वगैरह आप बनाते थे 10th क्लास के चैप्टर में था फ्लो चार्ट। आपने कोई बीसी एनसी या कोई आईटी कोर्स किया होगा तो उसमें भी फ्लो चार्ट्स वगैरह थे, उसी तरह का होता है। स्टार्ट सेलेक्ट ए, सेलेक्ट ए वन एंड नेम, सेलेक्ट बी वन एंड रोल, select C1, enter, marks. अब बोलोगे सर क्या जरूरत है, हम तो यहीं पे लिख देंगे, सीधा एक कोड लिख देंगे, ये एल्गोरिथम बनाने का जरूरत है? देखिए, जब आपके पास आपका प्रोग्राम होगा, आप जो प्रोग्रामिंग कर रहे हैं वो प्रोग्राम होगा तो यू कैन डू दैट। बट मान लीजिए कि आपके पास जो प्रोग्राम है वो प्रोग्राम आपका नहीं है, वो प्रोग्राम किसी और का बना रहा है। जैसे मान लीजिए आपने मुझे बोला कि सर मेरे लिए एक प्रोग्राम डिजाइन करें, तो जो मैं डिजाइन करूंगा वो क्या करूंगा, ऐसे तो नहीं कर दूंगा ना, क्या सर? तो मैं पहले आपकी बातें बोलूंगा तो आप बोलोगे सर मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ, समझ गए? तो सर, अगर आप मैं अगर हम आपसे कहते हैं सर कि प्रोग्राम बना के देंगे तो आप सिर्फ हमें मॉड्यूल बना के दे देंगे। हाँ, जैसे कि आपने आप जो मुझे बोलोगे उसको हम इस तरह से लाइन ऑफ लाइन कर पे लिख लेंगे, क्योंकि एक लाइन में एक लाइन में एक ही स्टेप की कोडिंग होती है। तो कोडिंग करते समय कोई स्टेप कोई कंडीशन में भूल ना जाओ या छूट ना जाए या सीक्वेंस ना बिगड़ जाए। जैसे मान लीजिए ना सिलेक्ट ए वन एंटर नेम, तो पहले सिलेक्शन करना है देन नाम लिखना है। अब कंफ्यूजन में पहले नाम लिखने की कोडिंग डाल दी और बाद में सिलेक्शन कोडिंग डाली, तो उल्टा हो गया ना सर। हाँ सर,
अच्छा, ये वे ऑफ कोडिंग हो गया था। हाँ, वे ऑफ कोडिंग हुई। इससे आपका आपको क्या क्या कोड लिखना है इसका आइडिया लगा, और किस सिक्वेंस में लिखना है इसका आइडिया लगा। तो आपने एल्गोरिदम को तैयार करके देख लिया। इसको एल्गोरिदम जो है कॉपी पेस्ट पे किया तैयार किया जाता है, इसको सिस्टम में नहीं किया जाता है, डायरी में तैयार किया जाता है। ये समझ लेंगे दिस इज द ब्लू प्रिंट ऑफ द योर प्रोग्राम। समझ गए? कल के डेट में कोई अगर कोई आपके प्रोग्राम को एडिट करेगा, जैसे मान लीजिए ना, ये जरूरी क्यों होता है समझ लीजिए पहले बात को। अब मान लीजिए कि ऐसे मैं वीबीए की बात नहीं कर रहा हूं, मान लीजिए कि आप यूर सॉफ्टवेयर डेवलपर, एक कंपनी के लिए आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं। अब जरूरी नहीं है कि सॉफ्टवेयर आप बुरा ही कर दो। क्या आप 3 महीने से सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे थे, आप काम लगभग 80% काम कर चुके हैं, 20% बचा हुआ है, किसी कोई कारण से आपको कंपनी छोड़ना पड़ गया, आप चले गए। अब आपके बाद जो आएगा उस 80% प्रोग्राम को आगे कैसे रन करेगा, वो कैसे समझेगा कि आप क्या सोच रहे थे, आप क्या कर रहे थे। उसको 6 महीने लगे, पहले उसको 2 या 3 महीने लगेंगे पूरा अच्छे से उसको स्कैन करके चेक करने में कि आखिर क्या क्या हुआ है, क्या क्या बच गया, क्या क्या करना था। तो प्रोग्रामर इस तरह का हैंड नोट्स बनाते हैं, जिससे अगर उस प्रोग्राम पे काम करना छोड़ देते हैं, सेकेंडली कोई प्रोग्राम आएगा तो देखिएगा कि यहां तक की कोडिंग हो गई है, अब इसकी आगे की कोडिंग करनी है। समझ गए सर? तो सर यानी कि अगर हम कोई भी प्रोग्राम बनाए तो उससे पहले उसका फ्लो चार्ट बना लें। हाँ, उससे पहले उसका फ्लो चार्ट, उसका एल्गोरिथम तैयार करें, फिर बनाए। नियम यही कहता है, अगर आप, क्योंकि मान लीजिए कि स्टेप्स आपके दिमाग में है तो बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी और का बना रहे हैं तो आप उनके स्टेप्स को पहले लिख ले तो बेटर होगा। और शुरुआती दौर में जितने भी प्रोग्राम आप बनाए उसका फ्लो चार्ट पहले बनाए और फिर उसका बनाए, तो उससे उससे एक और फायदा होती है कि आप जो स्टेप्स लिख लें तो आपको पता चल जाएगा इसमें कि आप इसमें किस किस पार्ट की कोडिंग जानते हो और किस पार्ट की कोडिंग नहीं जानते। जिस पार्ट की कोडिंग नहीं जानते हो, पहले उसकी प्रिपरेशन करके उसकी कोड चेक करोगे, देन स्टार्ट करोगे, तो पता चलेगा कि आपके पास मान लीजिए कि 500 लाइन ऑफ कोड लिखना था और आपने मतलब कि 175 का लाइन ऑफ कोड लिख दे, क्षेत्रवार लाइन ऑफ कोड में आपको दिक्कत आ गया, वो कोड आपको आता ही नहीं है, तो आपकी टाइम तो वेस्ट हो गया ना सर। अगर मान लीजिए कोड आप नहीं लिखे था, आपका प्रोग्राम तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, तो आपका वेस्ट ऑफ टाइम हो गया। ये कैसे जज करेंगे सर कि किस पार्ट में हमें हमें कौन सी कोडिंग चाहिए? मतलब है कि जैसे कि क्या है, सिलेक्ट A1, मतलब कि A1 को सिलेक्ट करने का, A1 को सिलेक्ट करने का कोड क्या होता है तो पता चलेगा तुमको, तभी लिखोगे आप। अच्छा, एंटर द नेम, जहां सिलेक्शन हुआ है वहां पे नाम लिखना है, उसका कोड क्या होगा, कैसे लिखेंगे, समझ गए? ये लाइन ऑफ कोड एक क्या है, लाइन ऑफ कोड का ब्लूप्रिंट है ना, ये समझिए कि इसी को कन्वर्ट करना है आपको ट्रांसलेटर, मान लीजिए ट्रांसलेट करना है, पहले आपने पैरा ये लिख लिया, सेंटेंस लिख लिया, अब उसको आपको ट्रांसलेटर से ट्रांसलेट करना है, समझ गया? अब पता चला, आप इंग्लिश के सीखते होते थे ना, कि पता चला कुछ ऐसा ट्रांसलेशन में कुछ ऐसा वर्ड आ गया जिसका इंग्लिश आप जानते ही नहीं, उसमें क्या करते थे आप, डिक्शनरी ढूंढते थे ना, याद कीजिए सर, चौथी पांचवी क्लास जब आप इंग्लिश सीखते थे, टीचर साहब आपको 10 या 20 या 50 लाइन का सेंटेंस देता था, उस सेंटेंस में ऐसे वर्ड होते थे जो वर्ड का ट्रांसलेटर आप इसका इंग्लिश नहीं जानते थे, तो डिक्शनरी ढूंढते थे उसका इंग्लिश क्या होगा। सेम थिंग दैट, कि अगर आप पहले लिख लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस वर्ड का आपको वीवीए मीनिंग पता नहीं है, तो आप पहले उसकी वीवीए मीनिंग पता करोगे देन लिखोगे। ठीक है सर, समझ में आ गया? हाँ जी। मणिशंकर जी, आपको समझ में आया? हाँ जी सर, हाँ जी। और गुलभूषण जी, तो एल्गोरिथम, अब इससे मैंने एल्गोरिथम तैयार किया, चलिए हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। तो
स्टार्ट मतलब कि मैंने डिक्लेरेशन ऑफ द मैक को मैक पर डिक्लेयर कर लिया, और फिर मैंने लिखा रेंज a1.select, क्योंकि हमने अभी हमने कोडिंग क्या कर रखी है कि रेंज फॉर यहाँ पे कि पहले रेंज को सिलेक्ट करना है, छोटा कर देता हूं ताकि आपको दिखेगा। तो पहले है से एंटर द नेम, तो हमने यहां पे दे दिया एंटर द नेम का कोड होगा सिलेक्शन डॉट वैल्यू इक्वल टू नेम, ठीक है। अब सेम रिपीटेशन है तो हम इसको सेम रिपीट कर देते हैं, ठीक ए वन की जगह पे यहां बी वन हो जाएगा और यहां पे सी वन हो जाएगा और यहां पे नेम की जगह पे रॉल हो जाएगा और इसके जगह पे हमारा मार्क्स हो जाएगा, क्लियर है। तो आपके जितने लाइन के आप ये देख लीजिए, एक चीज और मैच कर सकते हैं, लेकिन हमेशा पूरा नहीं होता कि आठ लाइनों का हमारा एल्गोरिथम है तो हमारे पास आठ लाइनों का ही कोड होना चाहिए, छह दो आठ, समझ गए। अब उसको हम टेस्ट करते हैं, टेस्ट किया मतलब कि हमारा प्रोग्राम सक्सेस है, अगर एरर होता तो हम उसको वापस रिकोड करते और वापस इसको टेस्ट करते और फिर अप्लाई। अप्लाई में क्या होता है, अभी कोई मैक्रो होता है कि भाई रन कर, कोई मैक्रो होता है इसको बताना पड़ता है कैसे कैसे रन करोगे। जैसे मान लीजिए पिवट टेबल बनाते हैं तो पिवट टेबल नाम का एक मैक्रो है आपका, ठीक है। जो पिवट मान लीजिए पिवट टेबल का ऑप्शन आपके एक्सेल में नहीं है, पिवट टेबल के सारे फीचर्स के लिए आपने मैक्रो बनाया, तो आपको यूजर को समझाना पड़ेगा ना कि इस पिवट इस मैक्रो को रन करने के लिए क्या क्या चाहिए, समझ गए। तो वो अप्लाई के अंदर आता है, तो एल्गोरिथम समझ में आ गया, एल्गोरिथम की जरूरत समझ में आ गई। चंदन जी, मणिशंकर जी एंड कुलभूषण जी, यस सर, चलिए अब इसमें अगला टॉपिक आता है कि हम कैसे पता करेंगे कि सिलेक्ट ए वन मतलब कि हमें यहां पे रेंज ही लिखना है या सिलेक्शन लिखना है या सिलेक्शन की वैल्यू देना है। अब कोड कंसेप्ट को समझते हैं, जो स्टार्टिंग होने वाले जो वर्ड होते हैं वो चार होते हैं, एप्लीकेशन, वर्क बुक, शीट एंड रेंज, ठीक है। ये चार है, जैसे कि आप लोग नाउन समझते हैं, नाउन एंड प्रोनाउन, कोई वर्ड लिखते हैं तो नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है ना, राम घर जा रहा है तो उसको इंग्लिश में लिखने के लिए पहले राम लिखोगे, यस सर। तो सेम उसी तरह से ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, तो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा वो डिपेंड करता है इफेक्ट पे। हमने बोला कि हमें ए वन के अंदर में आप ये समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट कौन कौन से है, किसको डोनेट करता है। एप्लीकेशन पूरी एप्लीकेशन एक्सेल सॉफ्टवेयर को इंडिकेट करता है, समझे। वर्कबुक एक पर्टिकुलर फाइल को इंडिकेट करता है, शीट्स एक पर्टिकुलर शीट को इंडिकेट करता है, रेंज एक या एक ज्यादा सेल को इंडिकेट करता है, ठीक है। हमने यहां पे लिखा रेंज ए वन डॉट सिलेक्ट सिलेक्ट ए वन या एंटर द नेम, तो हम अगर कुछ लिख रहे हैं या कुछ सिलेक्ट कर रहे हैं वो किसी कोई सीट पे तो नहीं हो रहा है, कोई फाइल पे तो नहीं हो रहा है, एक रेंज पे हो रहा है। जैसे एक घर है, घर के अंदर कमरा है और कमरे के अंदर आपका एक अलमारी है, तो सामान आप कहां रख रहे हो, अलमारी के अंदर रख रहे हो ना, तो आपका उस सामान का मालिक कौन हुआ, अलमारी हुआ, सॉरी उस सामान को कंटेन कौन कर रहा है, अलमारी कर रहा है। उसी तरीके से हम रेंज को यहां पे रेंज देंगे, हाँ जब एक्सेल को ये पूछेगा कि कौन सी रेंज मतलब कौन सी अलमारी, तो बताओगे कि किस घर के किस कमरे के किस अलमारी, तो इसके आगे जाएगा।
तो वर्कबुक किस वर्कबुक के किस सीट के किस रेंज, तो जरूरत पड़ेगी तो हमें डालना पड़ेगा। तो इन चारों में सर ये लेते हैं, तो सर ये मतलब ये सर ये एट्रीब्यूट्स हो गए सब। हाँ, एप्लीकेशन, वर्कबुक और शीट और रेंज। हाँ, तो अगर हमें मान लीजिए मुझे क्रिएट अ वर्कबुक, हम अपनी कोड वर्कबुक से स्टार्ट करेंगे, इंसर्ट द शीट तो हम शीट से स्टार्ट करेंगे, और रेंज हुआ तो रेंज से स्टार्ट करेंगे, रिनेम द शीट, सेव एज द फाइल, क्लोज द फाइल, ओपन द फाइल, रिनेम द शीट। तो डिपेंड करता है कि हमारा जो लाइक एल्गोरिदम है किस ऑब्जेक्ट को इफेक्ट कर रहा है। अगर किसी फाइल को इफेक्ट कर रहा है तो हमारी कोडिंग वर्कबुक से स्टार्ट होगी। अब हमारी अगर रेंज को इफेक्ट कर रहा है तो रेंज को, अब बोलेंगे सर हमने यहाँ पे सिलेक्शन दे दिया, तो इसी के कई पार्ट होते हैं, मतलब कि निक नेम होते हैं, जैसे वर्कबुक का एक्टिव वर्कबुक, शीट्स के भी होते हैं, रेंज का है सेल्स, एक्टिव सेल, एक्टिव सेल सिलेक्शन, तो लेकिन वो रेंज के कैटेगरी में ही आता है, इसके भी सब कैटेगरी है जो कि हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक है, आया समझना सर? अब कोड लिखने का तरीका देखो, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट का एड्रेस होता है, और ये आपका एक्शन कि रेंज कौन सा, ए वन, क्या करना है सिलेक्ट करना है, सिलेक्शन, तो सिलेक्शन में क्या हुआ कि हमें ये नहीं बताना कि कौन सा ऑब्जेक्ट है, एक्शन समझ गया कि जो सिलेक्टेड है दैट मीन्स वही ऑब्जेक्ट है, समझ गए? तो रेंज में एक पर्टिकुलर एड्रेस देना होता है, लोकेशन देना होता है, लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन सिलेक्शन में आपको ये फिक्स्ड है, समझ गए? तो क्या करना है, तो उसकी वैल्यू, वैल्यू क्या है तो इक्वल टू नहीं, तो ये पैटर्न होता है, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिटेल एक्शन और एक्शन डिटेल, तो किस पे क्या करना है, दो ही वर्ड होता है, किस पे, एक्सेल पूछता है किस पे क्या करना है, तो किस पे मतलब कि ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट दे दीजिए, फिक्स है तो फिक्स, अदरवाइज डिटेल के साथ, जैसे कि रेंज हमने दिया, क्या करना है, अगर क्या करना वाला वर्ड एक ही है तो क्या करने पे भी कुछ देना है कि उसकी क्या करना है, तो वैल्यू डालना है, तो क्या वैल्यू डालना है, तो आपको वैल्यू देना पड़ेगा, तो इन लिखने का स्टाइल है। मणिशंकर जी समझ में आया? यस सर, यस सर। चलिए अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ माइक्रो, अभी जो आपने माइक्रो डिफाइन किया है पब्लिक माइक्रो, या फिर जब आप रिकॉर्ड करते हो डेवलपमेंट से जाके, तो इसको हम पब्लिक माइक्रो कहते हैं। पब्लिक माइक्रो मतलब कि फाइल की प्रॉपर्टी के अंदर सेव होता है, मॉड्यूल्स में सेव होता है, तो फाइल की प्रॉपर्टी में सेव होता है, मतलब कि जहां जहां मेरा बुक वन जाएगा वहां वहां मेरा एक कोड भी ट्रेवल करेगा, इसलिए इसको पब्लिक माइक्रो बोला गया, समझ गए? अब इसका आप अगर इस माइक्रो को चाहो तो किसी और फाइल से, मेरे पास बुक टू ओपन हुआ तो मैं इस फाइल को बुक टू में भी रन कर सकता, बट एक माइनस पॉइंट ये है कि बुक टू में रन करने के लिए आपका बुक वन ओपन होना चाहिए, मतलब ये एक्सेल का पार्ट नहीं बनेगा कि आप किसी भी फाइल में ओपन कर दो, किसी फाइल में ओपन करने का कंडीशन है कि आपका इसे फाइल ओपन होना चाहिए। तो पब्लिक माइक्रो के बारे में समझ गए कि पब्लिक माइक्रो फाइल की अपनी कोडिंग को फाइल की प्रॉपर्टी में सेव करता है, जहां जहां फाइल जाएगा वहां वहां जो जो फाइल को एक्सेस करेगा वो हमारी माइक्रो को भी एक्सेस करेगा, यूज करेगा, समझ गए? ये अनदर फाइल में भी वर्क करेगा, लेकिन जिस फाइल के अंदर कोड किया गया है वो फाइल अगर सेव होगा तो ओपन होगा तभी वर्क करेगा, लेकिन अगर आपको फाइल को ऐसा बनाना चाहते हैं कि वो पार्ट ऑफ एक्सेल हो जाए कि वो किसी भी फाइल में मुझको यूज कर सके, तो उस केस में आपको क्या करना होता है, उस केस में आपको
प्राइवेट मैक्रो बनाना पड़ेगा। प्राइवेट मैक्रो जैसे कि रिकॉर्डिंग करते समय आप यहां से जो पर्सनल मैक्रो वो सिलेक्ट कर और रिकॉर्ड खत्म होने के बाद उस पर कोड भी कर सकते हो। तो ए पर्सनल मैक्रो क्या होगा कि ए फाइल के अंदर नहीं सेव होगा, ये आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर सेव होगा और जैसे जैसे और आप हर फाइल में इसको ओपन कर पाओगे, मतलब ये पार्ट ऑफ एक्सेल बन जाएगा क्योंकि ये आपकी पीसी में सेव हुआ है किसी फाइल के अंदर। इसका माइनस पॉइंट क्या है कि आप इसको पब्लिकली शेयर नहीं कर सकते, ये फाइल के साथ नहीं जाएगा। ओके सुजय जी, बिना रिकॉर्डिंग के उसको कैसे पर्सनल कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। एक वही वे है कि आप उसको पब्लिक पर्सनल उसमें रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन में जाके पब्लिक पर्सनल करो, ठीक है। एक ये सेव कहाँ होगा फिर? ये सेव कहाँ होगा? आपकी ऑफिस लाइब्रेरी में। मुझे कोई एडिशनल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है। एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन जहाँ सेव होता है ना उसी के अंदर इसकी मैक्रोज को सेव करने का एक लोकेशन बना होता है, फिक्स होता है, वही पे सेव होता है। अच्छा, तो मुझे कोई एडिशनल फाइल बनाने की जरूरत नहीं है? नहीं। तो सर यानी कि जो मैक्रो रिकॉर्डिंग होंगे सिर्फ वही पर्सनल बन सकेंगे, हम कोडिंग करके कोई भी मैक्रो पर्सनल नहीं बना सकते? नहीं, रिकॉर्ड करके फिर उसमें कोडिंग कर दो ना। नहीं, उसके अलावा कोई भी है, मतलब रिकॉर्डिंग विंडो ना खोले उसके अलावा कोडिंग करते वक्त अगर हम सीधे व्हाइट बोर्ड पे जाके कोडिंग कर रहे हैं नहीं, तो क्या हम उसे पर्सनल बना सकते हैं? और तरीका नहीं है, मुझे अभी तक तो नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो मैं आप लोगों को जरूर इंटीमेट करूंगा। ओके ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं इवेंट मैक्रो। तो एक तो हुआ कि आपका आप अपने इस फाइल की प्रॉपर्टी में सेव करो, और दूसरा हुआ जो कि आप ऑफिस लाइब्रेरी में सेव करते हो पब्लिक मैक्रो। बात आती है कि आप अपने किसी एक लोकेशन में, जैसे कि पहले मैं बताया कि हम सीट पे कोडिंग नहीं कर, सीट पे करके कोडिंग नहीं करेंगे, तो सीट पे कोडिंग नहीं करेंगे मतलब सीट पे हम पब्लिक मैक्रो नहीं लिखेंगे बट इवेंट मैक्रो लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे गया सीट बक्शी और हमने सिलेक्शन चेन और हमने एक छोटा सा कोड दे दिया कि एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू बीवी रेड, ठीक है। तो ये जो कोड हुआ, अब मुझे खुद से रन, ये जो कोड हुआ अब मुझे किया वो रन कब होगा? जब मैं कहीं पे क्लिक करके कोई एरिया सिलेक्ट करूं, समझ गया। तो एक कोडिंग की स्पेस ये हुई है सीट वन के ऊपर और वो भी एक पर्टिकुलर इवेंट पे, उसको हम इवेंट मैक्रो कहते हैं। कि इवेंट पब्लिक मैक्रो को तो आपको ट्रिगर करना पड़ता है ना, ये आपका ट्रिगर, मतलब समझिए ना कि पब्लिक मैक्रो आपका रिमोट बम है, ठीक है। आप जब चाहोगे तब उसको बटन दबा के उड़ा सकते हो, और आपका एक इवेंट मैक्रो आपका टाइम बम है कि जब उसका टाइम होगा तो उड़ जाए, अपने आप उड़ जाएगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो जब उसका टाइम कब होगा? जब कहीं भी क्लिक होगा। तो आगे चल के आप वैलिडेशन लगाने के लिए लगो कि जब मेरा फाइल ओपन हो तो एक पर्टिकुलर एक्शन हो, मेरा फाइल क्लोज हो, प्रिंट हो, वगैरह वगैरह बहुत सारे। तो वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ही होते हैं जिस ऑब्जेक्ट को वो इवेंट होता है, ठीक है सर। हेलो, हाँ जी, ठीक है। सर ये फिर इवेंट कितने प्रकार के, किस टाइप के टाइप्स के होते हैं सर इवेंट? इवेंट तो ये रहा ना, इवेंट के प्रकार ना, ये इसके डिस्कस करेंगे इस पे हम आगे। पूरा यूजर फॉर्म इवेंट मैक्रो पे भी है, अभी तो मैं आपको टाइप समझा रहा हूँ ताकि आप टाइप समझ लें कि पब्लिक मैक्रो कब डिक्लेयर करना है, इवेंट मैक्रो कब डिक्लेयर करना है, पर्सनल मैक्रो कब डिक्लेयर करना है, तीनों मैक्रो का टाइप समझ ले ताकि आपको डिक्लेरेशन करते समय ध्यान रहे कि हाँ हमें कौन सा मैक्रो डिक्लेयर करना है।
कौन सा मैपबुक कब डिक्लेयर करो? ठीक है सर। हेलो मणिशंकर जी, चंदन जी, समझ में आया? यस सर। हाँ जी सर। ओके, तो आपने एल्गोरिथम को हल्के में मत लीजिएगा, पहले बात समझो। हमारे बहुत सारे बच्चे एल्गोरिथम को हल्के में लेते हैं, आप हल्के मत लीजिएगा। दूसरी चीज, कोड को डायरेक्ट आप सिस्टम पे ना करें, मेरी दूसरी सलाह ले लीजिए, कोड को पहले आप अपने नोटपैड में करें। ऐसा क्यों? तो सुजीत जी, इनिशियली मैंने ना कुछ मिस कर दिया था, एल्गोरिदम से आपका क्या मतलब है? लाइक आपने एनालिसिस, एल्गोरिदम, कोड, टेक्स्ट और अप्लाई ये डाला हुआ है। सॉरी मैंने ना शुरू में थोड़ा मिस कर दिया था, मेरा नेटवर्क इशू चल रहा था कुछ। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो तो उसको स्टेप में लिखोगे कि कितने स्टेप्स है। ओके, क्योंकि वीवी क्या करता है, अब देखिए होता क्या है, एक चीज और ध्यान रखिएगा, एल्गोरिदम की जरूरत क्यों पड़ती है, कि वीवीए जो है एक लाइन के लिए एक कोड का इस्तेमाल करता है। अब एक बार में आप सिलेक्ट और कोड क्या बोलते हैं वैल्यू नहीं ले सकते हैं, आपको सिलेक्शन भी करना है और वैल्यू भी लिखना है, तो आपको इसके लिए दो लाइन की कोडिंग लिखनी पड़ेगी, क्योंकि दो स्टेप होगा। तो कोडिंग करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि आपको कितने स्टेप्स हैं, तो उसको पहले आप जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ के और उसके स्टेप्स तैयार कर लो कि आखिर आपको कितने स्टेप्स में और किस कंडीशंस में आपके प्रोग्राम को बनाना है, और फिर उसकी अकॉर्डिंग से कोड को हम डिजाइन करें। उसे अगर मैं यहाँ पे ये लिखता हूँ कि रेंज a1.select इज इक्वल टू नेम, वो नहीं लेगा? नहीं। ठीक है, एक एक्शन एक कोड। हाँ, तो आपको क्योंकि एक लाइन लाइन क्या होता है, लाइन बाय लाइन, दूसरी एक समझिएगा, लाइन बाय लाइन चलता है, पहले इस लाइन को चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा, फिर इसको चलाएगा। अगर इसको एरर आ गया, इस पे एरर आ गया, यहाँ रुक जाएगा और डिबग कर देगा, मतलब कि इससे अगर ये आपने गलत कोड लिखा है, इसका मतलब है कि इससे ऊपर वाली कोडिंग आपको परफॉर्म करेगी, आपको इससे नीचे की कोडिंग को परफॉर्म नहीं करेगी, नहीं करेगी, वो स्टॉप हो जाएगा वहीं पे। हाँ, ये लाइन बाय लाइन स्टेप सीक्वेंस में चलता है। तो एल्गोरिथम आपको हेल्प करता है। तो आपके ऑफिस में ऐसे बहुत सारे काम होंगे जो आप करते होंगे, आप उसका एल्गोरिथम तैयार करें, क्योंकि एल्गोरिथम में एक भी ध्यान रखना पड़ता है, भी एक एल्गोरिथम करना भी एक है। आप अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करें ना, जैसे कि अगर आप कोई कोर्स करते हैं बीसीए वगैरह एमसीए वगैरह, तो पता है तीन सब्जेक्ट है एल्गोरिथम के ऊपर। और एकदम इंपॉर्टेंट इसलिए बताया आपको, वीवी में भले आपको इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन प्रोग्रामिंग में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है इसका, क्योंकि एक प्रोग्राम एक बंदा तो नहीं बना पाता है ना। कंपनीज के अंदर में आप देखेंगे कि प्रोग्राम प्रॉब्लम एनालाइज करके एल्गोरिथम लिखने वाला कोई और होगा, उसकी कोडिंग करने वाला कोई और होगा, टेस्टिंग करने वाला कोई और होगा, एरर शूट आउट के लिए कोई और होगा। तो ये सारे बंदों को कैसे पता चलेगा कि ये प्रोग्राम करता क्या है और किस चीज को फॉलो करता है, अगर इसका ब्लूप्रिंट तैयार नहीं होगा तो? बात समझ में आया? दूसरी चीज कि मान लो आप, चलो आपने कोई मैक्रो बनाया और एक साल बाद उसी मैक्रो को एडिट करना है, क्या लग रहा है आपको, आप कर पाएंगे? आप एक साल बाद भूल जाएंगे कि आपने कैसे क्या किया। इसलिए मैंने आपको बोला कि डायरी को मेंटेन करें, एक रजिस्टर मेंटेन करें जिसमें हर एल्गोरिथम उसके सामने उसका प्रोग्राम दे। उसे दो फायदे है। पहला फायदा, कोड देख के नहीं पता चलेगा हमें स्टेप्स, तो अगर कोई मतलब मैं एक साल बाद अपना कोड देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि रेंज इक्वल डॉट स्लैश, कोड देख के तो पता ही चल रहा है ना कि एक्टिव सीट में हो रेंज स्लैश। कोड देखते हुए पता आपको चलेगा, कि उससे ज्यादा पता चलेगा एल्गोरिथम देख। आप पहले एल्गोरिथम को देखोगे फिर कोड देखोगे ना, तो आपको ज्यादा पता चलेगा, मतलब माइंड यूज कम करना पड़ेगा एल्गोरिथम। कोड देख के पता तो चल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास
अच्छा खासा एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ गए। और दूसरी चीज ये भी होता है ना, जैसे मैंने बताया कि मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम लिख रहे हो जो 200 लाइन ऑफ कोड का प्रोग्राम है, ठीक है, अब पता चला कि आपका 180 लाइन जो है उसकी कोडिंग आपको आती नहीं है, जैसे वो 180 लाइन है आउटलुक को कनेक्ट करना, तो आपको आउटलुक को कनेक्ट करने का कोड पता ही नहीं है, तो मतलब 180 कोड तो आपने कर ही लिया, अब एक आउटलुक को कनेक्ट करने का कोड आपको नहीं मिला, तो मेरा पूरा बेकार चला गया ना आपका। तो आप अगर लाइन ऑफ कोड लिखोगे तो उसी समय उसके सामने उसका कोड लिखते चले जाओगे, देखते चले जाओगे, लिख दोगे, लिखना है तो लिख दो, या फिर आप चेक कर लोगे अच्छा इसका कोड तो पता है पता है पता है पता है, अब इसका कोड पता है, इसका कोड क्या होगा, तो आप उसको रिसर्च करोगे पहले, तो पता करोगे कि हाँ एक कोड ये चीज हो सकता है एक्सेल में कि नहीं हो सकता है, ये वो चीज एक्सेल में हो ही नहीं सकता। अच्छा सुजीत जी, कोई ऐसा वे है जिससे पता चल जाए हमें जो बेसिकली इस चीज को कॉल करने के लिए क्या किसी चीज का कोड पता नहीं है, जैसे आपको मान लो कि फिल्टर करने का कोड पता नहीं है, तो आप जिसको रिकॉर्डिंग मांगोगे थोड़ी रिकॉर्ड करके उसका कोड देख सकते हो, जैसे कल मैंने आपको बताया था। अब मान लीजिए का कोड काफी बड़ा होता है, क्या जैसे मैं देखता हूँ, मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ अगर, तो प्राइवेट का कोड जो है वो काफी बड़ा हो जाता है, तो या फिर फॉर्मेटिंग का कोड काफी बड़ा हो जाता है, तो वहां हम रिकॉर्डिंग की हेल्प लें। दूसरी चीज है, मान लो कि वो चीज रिकॉर्डिंग, मान लो कि आउटलुक से कनेक्ट करना है, उसकी कोडिंग आपको नहीं आता है, तो फिर उसके लिए आप अलग रिसोर्सेज इस्तेमाल करोगे, जैसे कि गूगल हो गया, इंटरनेट हो गया, यूट्यूब हो गया, फ्रेंड्स हो गया, बुक्स हो गया, क्या। तो पहले आपका रिसोर्स पूरा हो जाएगा, देन आप प्रोग्राम करने बैठोगे, कि पहले प्रोग्राम करने बैठोगे, जैसे जैसे प्रॉब्लम आएगी वैसे वैसे रिसर्च करो। एग्जैक्टली, मतलब अभी तो वही करते हैं। हाँ तो वो नहीं करना चाहिए ना, पहले आप प्रोग्राम को रिसर्च करो, देन प्रोग्राम करो ना, उससे आपको आइडिया दिखेगा कि आगे करना है क्या। अब मेरा सजेशन है, अगर आपको अच्छी लगी तो ले लीजिए। अरे एग्जैक्टली सर, तभी तो यहाँ पे हैं आपके सजेशन लेने के लिए। हाँ तो एल्गोरिथम लिखने के बात करें, अब जैसे कि बहुत सारे को ऐसे होते हैं ना, जैसे काम जो आप उनकी दूसरी चीजें है ना, कि इस पे आपको एल्गोरिथम की जरूरत कब पड़ती है, जब आप किसी और का फाइल करते हो ना, अगर खुद का कर रहे हो तो सब दिमाग में होता है कि यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, यहाँ पे जाना, ये करना है, यहाँ कॉपी करना है, यहाँ पेस्ट करना है, क्योंकि डिलीवरीज में करते हो, वो आप एल्गोरिथम की नीड नहीं समझते हैं, समझ गए। लेकिन किसी और का फाइल या किसी और का बताया हुआ फाइल पे काम कर रहे हैं तो उस पर जरूरी है, ताकि मान लो कि कंडीशन, इसमें सिर्फ कंडीशन लिखना पड़ेगा आपको, फिल्टर में क्या क्या कंडीशन देना है, आप अगर नहीं लिखे, पता चला कि आपने कोड में फिल्टर में 5 कंडीशन देने थे, आपने 2 ही दिया, 3 दिया ही नहीं, 3 भूल गए आप, तो गलत हो जाएगा ना फिर ऑफिस का काम, तो वहां पे आपको लिखना पड़ेगा, समझ गए। इसलिए बोल रहा हूं। दूसरी चीज कि आप एक वेबसाइट पर जाके स्टडी कर लो, जैसे कि मैंने बताया था आपको excel-vva.com। ओके, इस पे जाए, और इसमें आर्टिकल्स है, उस आर्टिकल्स को पढ़ें, और रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप सबके कोड लिखें, कोड समझें या लिखें, जो भी करें, होम मेनू बार, इंसर्ट में जितने भी फंक्शन है उसको समझें, जो कोड समझ में ना आए उसको नोट करें, और हम आपको कोड लास्ट में समझाएंगे। यहाँ पे आपको 33 चैप्टर्स है, आप एक एक चैप्टर पे क्लिक करके उसको आप पढ़ें, ठीक है, excel-vva.com। आज का टॉपिक आपका यही रहा, इसको कीजिए, फिर आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, थैंक यू, ओके, बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।